उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वाराणसी के बाद अब मथुरा में भी इस सुविधा का लाभ लोग उठा सकेंगे। सड़क और वायु परिवहन के बाद अब नदियों के किनारे बसने वाले शहरों में जल परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद तेज हो गई है। काशी में पहले से ही यह सेवा उपलब्ध है। अयोध्या और प्रयाग में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। अब मथुरा में भी क्रूज चलाने को जल परिवहन मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। यमुना में अब वृंदावन से लेकर गोकुल तक जल परिवहन की परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। परियोजना के लिए 2 क्रूज को अनुमति मिली है। इनकी क्षमता 400 सवारियों की होगी। इनके संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का टेंडर सितंबर माह में निकाला जाएगा। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक स्टीमर भी आएंगे। सांसद हेमा मालिनी के माध्यम से यमुना में जल परिवहन का प्रस्ताव पूर्व केंद्रीय मंत्री जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया था। उसी समय केंद्रीय जल परिवहन मंत्रालय की टीम ने आकर सर्वे भी किया था। विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। नितिन गडकरी के बाद केंद्रीय जल परिवहन मंत्री बने सर्वानंद सोनोवाल ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। अब इस परियोजना को धरातल पर लाया जा रहा है। मथुरा में वृंदावन से लेकर गोकुल तक यमुना में चलने के लिए 2 क्रूज आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय की इस परियोजना को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद संचालित कराएगा। वृंदावन से गोकुल तक का यह जल मार्ग लगभग 22 किलोमीटर लंबा होगा। मार्ग में कुल 11 टर्मिनल होंगे, जहां पर्यटक क्रूज से कई स्थानों पर उतर और चढ़ सकेंगे। जुगल घाट, बिहार घाट, केसी घाट, देवराहा बाबा घाट, पानी गांव, कंसकिला, स्वामी घाट, विश्राम घाट, सुदर्शन घाट, गोकुल और गोकुल बैराज पर टर्मिनल बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।